जेएनयू पे। अब तो चलिए मैथ्स के इस महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 तथा 60 अंक अधिक पाते हैं तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो बच्चे हैं, एक जो है कितना पा रहा है 40% और दूसरा कितना पा रहा है 45%। अब इसमें जो है कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर जी 5% का अंतर है। और यहाँ पर देखिए, पहला जो है 35 अंक अधिक पाता है, दूसरा 60 अंक अधिक पाता है, तो भाई जब दोनों ही अधिक हैं तो अंतर कम होगा, तो अंतर कितना हो गया 25 अंक का। कितने का? 25 अंक का। तो मेरे भी आप जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए अंतर की तुलना किससे होगी, अंतर से होगी। तो अंतर कितने का है 25 अंक का, अंतर कितना है 5%। इसका मीनस है कि 5% बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर जी 25 नंबर, 1% बराबर कितना हो गया, तो आपका हो गया 25/5, 5×5=25, 1% में 5, तो 100% में 5×100 बराबर 500। तो परीक्षा का जो पूर्णांक है मेरे बच्चों वह कितना है, तो आप कहेंगे सर जी 500। इसका मीन्स आपका ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है।